जय माता दी, जय माता दी, जय भवानी, जय श्री राम। आज साथ में हैं, आप पहचान ही गए होंगे देख करके, दादा सुखदेव गोगा मेडी जी। अपनी बात जो पद्मावती मूवी को लेकर है आपके समक्ष रखेंगे, तो आप सभी शेयर करें, सभी से निवेदन है एक बार शेयर करें। और सबसे प्रथम बात मैं कह देना चाहता हूं कि इसके ट्रेलर पर मत जाएं, इसके ट्रेलर पर मत जाएं। दादा अपनी बात रखेंगे, आप एक बार ध्यानपूर्वक सुने और सभी शेयर कर दें। दादा स्वागत है आपका। ये ट्रेलर दिखाया जा रहा है, ये तो एक सिर्फ छलावा है हिंदुत्व के साथ, राजपुताने के साथ, हमारे इतिहास के साथ। आपको अच्छी तरह से याद होगा, बाजीराव में तो इसने फिल्म भी दिखाई थी, बाजीराव में इसने फिल्म दिखा करके फिर रिलीज की थी। जो दिखाई थी वो कैसी अलग थी और जो रिलीज की थी वो अलग थी। ये बड़ुआ भांड ISI और दाऊद के पैसे लगा करके फिल्म बना रहा है। और मैं जितने भी इस देश के हिंदू संगठन है, विशेष तौर से उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग इस फिल्म को कतई रिलीज नहीं होने दें। पद्मावती सती माता थी हमारी, और वो अकेले राजपुताने के लिए, राजपुताने की मूछ बचाने के लिए या राजपुताने का स्वाभिमान बचाने के लिए जोर नहीं किया था उन्होंने, 16,000 रानियों को लिया था। उसमें हर जाति बिरादरी की रानियां थी, जो 16,000 रानियों को साथ लेकर के सती हुई थी पद्मावती माता। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, खासतौर से हिंदू संगठन है, ये हिंदुओं पर ही फिल्म ये भड़ुए और भांड क्यों मनाते हैं? सही बात। हिंदुओं पर ही ये भड़ुए और भांड फिल्म क्यों मनाते हैं? आपने एक भी देखी मुस्लिमों पे? नहीं। क्यों? क्योंकि इनको हिंदू संगठन है, वो इनको पैसे नहीं देते। और ISI और दाऊद इनको पैसा देता है हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, राजपुताने को नीचा दिखाने के लिए, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने के लिए, इसलिए ये फिल्म बनाते हैं। अब आप उदाहरण के तौर पर ये देख लो, इस भड़ुए ने बाजीराव के अंदर फिल्म, हमारे जो पूर्व, हमारे जो दादो साहब थे, उनको दिखाई कौन सी और रिलीज कौन सी की, ये कैसे चेंज कर देते हैं। तो ये तो ट्रेलर है खास, ये तो छलावा है, इस तरफ आप मत जाओ। और भारतीय हिंदुस्तानी मुस्लिम है, उनको भी मैं आग्रह कर रहा हूं, इस फिल्म को आप भी, रिलीज हो रही है, इसमें आप भी हमारा साथ और सहयोग दो, ताकि हमारा भाईचारा वो बना रहे और कायम रहे। ये भड़ुए भांड ISI के पैसे लगा रहे हैं, कोई पाकिस्तान में बैठा है, कोई दुबई में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, और हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपका भाई, आपका बेटा होने के नाते आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को आप लिखो, समृति जी को लिखो और सेंसर बोर्ड को लिखो कि इस फिल्म को कतई ही रिलीज नहीं करें। क्यों? कुछ चंद सिक्कों के लिए ये रिलीज होती है। और सेंसर बोर्ड से मेरा खास आग्रह है कि हम भारतीय हैं, हमें जीने दो, हमें एक साथ रहने दो, हमारा भाईचारा खत्म मत करो, हमारे इतिहास को तोड़ मोड़ करके प्रस्तुत मत करो, अब हमारी और परीक्षा आप मत लो, कब तक लेते रहोगे। इसलिए इस देश के हर संगठन से मैं आग्रह कर रहा हूं कि सब लोग मिलकर के केसरिया ध्वज बांध करके, और इस फिल्म का आपको विरोध करना है, कतई ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। ये फिल्म रिलीज होगी तो सड़कों पर वो महासंग्राम होगा भारत में, कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। और भांड, तू अच्छी तरह से सुन ले, तेरे दाऊद की कब्जी है ना, तू जयपुर आया था, तेरे को पीट करके भेजा था, दाऊद आया था क्या छुटाने के लिए? नहीं आया ना, तो बंबई में भी तेरा वही हाल होगा। चिंता मत कर तू, अब हमारे इतिहास के साथ, राजपुताने के साथ, हिंदुत्व के साथ छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय जय राजपुताना, जय मां भवानी, जय हिंदू राष्ट्र। दादा की आवाज एक जोश भर देती है। देखिए, यही कहना है मेरा आप सभी से यही निवेदन है। बिल्कुल, देखिए आज समय वो आ गया है, बिल्कुल भी कंप्रोमाइज हम लोग नहीं करेंगे। पूरे हिंदुत्व का मामला है जैसा दादा ने बताया है, तो आप सभी से जहां जहां तक ये आवाज दादा की और हमारी पहुंच पा रही है, हम बिल्कुल, दादा की पूरी टीम लग गई है, पूरी करनी सेना लग गई है। और मैं आपके समक्ष ये कह देना चाहता हूं, अपने जहां तक यूथ जुड़ा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, सब लोग ज्ञापन देना अभी एक या दो दिन से स्टार्ट करेंगे, अभी से ही ज्ञापन देना चालू करेंगे सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम और स्मृति ईरानी जी के नाम। हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो सारा पैसा लग रहा है वो ISIS का लग रहा है, दाऊद का लग रहा है, और ये पैसा लगाकर ये 3 मिनट का ट्रेलर दिखाने का काम कर रहे हैं, जो पागल बनाने का काम हिंदुत्व को कर रहे हैं कि 3 मिनट का ट्रेलर दिखा दोगे। और जो ट्रेलर ये पास करवाने लोग वहां गए थे, ये जो अपने कुछ चंद
खोटे सिक्के हैं उन्हें भी मैं बता दूं, पूरा यूथ दादा के साथ खड़ा हुआ है और दादा की जहां तक नजर जाएगी पीछे वहां तक यूथ दिखाई देगा। हम बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, ज्ञापन देना स्टार्ट करेंगे। सभी हिंदू संगठनों से अपील है एक मंच पर आ जाएं, सभी अपने हिंदू भाइयों से अपील है, पूरे हिंदुत्व का मामला है, एक मंच पर आ जाएं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए कोई भी मूवी बनती है, आप सभी समझदार होंगे, उसमें नाच भी दिखाया जाता है, उसमें गाना भी दिखाया जाता है, उसमें अश्लीलता भी दिखाई जाती है। तो ये तो जो ट्रेलर रिलीज किया गया है यूट्यूब पर, तो ये केवल एक दिखावा है, केवल दिखावा है। ये दिखावा इसलिए है कि जो उसको थप्पड़ यहां पड़ा था, उस थप्पड़ का असर मुंबई में सुनाई दिया है। जो थप्पड़ वहां करनी सेना ने यहां दिया था, रसीद किया था राजस्थान में, और दादा के जो लोग हैं जो यहां किया गया था उसका असर टेलर में दिखाई दिया है। तो वो असर ज्यादा आगे ना चला जाए इस डर से, या पागल बनाना कह लीजिए, उसकी वजह से इन्होंने टेलर को जो टेलर दिखाया 3 मिनट का, उसमें जो बोला गया है वो केवल दिखाया गया है। उन भ्रांतियों पर नहीं पहुंचना है। मैं बहुत से भाइयों की पोस्ट देख रहा हूं कि टेलर तो बहुत अच्छा है, अब देखते हैं क्या होता है। देखने के बाद फिर कुछ नहीं होने का, अगर आप जाकर देख लोगे ना फिर कुछ नहीं बचने का, ध्यान रख लीजिए। ये केवल टेलर, केवल संजय लीला भंसाली द्वारा केवल एक जो है हमें पागल बनाने के लिए, पूरे हिंदुत्व को पागल बनाने के लिए दिखाया गया है। इस चीज पर मत जाइए। मूवी स्क्रिप्ट में क्या है आप सभी जानते होंगे, आप सभी को पता है क्या मूवी में होता है। दादा कुछ और अपनी बात रखना चाहेंगे 2 मिनट की, सुन लीजिए। इस टेलर पर बिल्कुल मत जाइए, मैं सीधा सीधा कह देना चाहता हूँ। ये पैसा बाहर का लगा हुआ है, इसका हमें विरोध करना है। इसमें सीधा सा सरल सा एक मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हमारी सती माता को, मैं इसकी जानता हूं, इस नीच को, ये टप में नहाते हुए, स्विमिंग पूल में नहाते हुए, उसको कम कपड़ों के अंदर नृत्य करते हुए, उसकी दासियों द्वारा मसाज करते हुए ये दिखाएगा। वो हमारी सती माता है, उसका पूरे कपड़ों के अंदर ही लिबास होना चाहिए अगर तेरे को फिल्म रिलीज करनी है तो। एक भी अश्लील दृश्य हुआ तो भड़वे तेरा वो हल करेंगे, तेरी आने वाली 7 पीढ़ियां याद रखेगी। कान खोल करके सुन लेना, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को मैं चेतावनी के तौर पे कह रहा हूं, तुम लोग अब हिंदुत्व को और हमारे इतिहास को, राजपुताने को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना बंद कर दो। और इस भड़वे के जो जो भड़वे के साथ फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और हीरो हीरोइन आते हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि तुम भी कान खोल करके सुन लो, कान खोल करके सुन लो। हम हिंदुस्तानी फिल्म देखेंगे ना तभी 2 पैसे तुम्हारे पास आएंगे। अगर हम हिंदुस्तानी फिल्म ही नहीं देखेंगे तो तुम्हारे पास पैसे कहां से आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं तुम इस भड़वे और भांड का साथ देना बंद करो, और इस हिंदुस्तान की जनता का, हिंदुओं का और राजपुताने का साथ देना शुरू कर दो। वो दिन दूर नहीं जब हम एक केसरिया झंडे के नीचे होंगे और पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बजेगा। जय जय श्री राम, जय जय राजपुताना, जय मां भवानी। सभी को मेरा मैसेज यही है कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ है, किसी के साथ भी कोई घटना घट सकती है। ध्यान दे सभी इन चीजों पर जितना हो सकता है। अभी आप करीब 3,000 लोग एक साथ देख रहे हैं, सौभाग्य है दादा की आवाज सभी तक पहुंच रही है। देखिए कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जिस प्लेटफॉर्म पर पहले काम कर रहे थे उसी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। औकात बताने का काम किया जाएगा, औकात बताने का, और जमीन पर औकात बताने का काम किया जाएगा। कोई भी ट्रेलर देखकर अपने मन में ये भ्रांति ना रखे कि मूवी सही होगी, हमारा तो सीधा से ही और पहले से ही दादा का, हमारा और आप सभी का स्टैंड ये रहा है कि इस मूवी के खिलाफ हम प्रचार करेंगे, इस मूवी को प्रदर्शित नहीं होने देंगे। मैंने पहले भी कहा था, दादा ने पहले भी कहा था कि जिस दिन मूवी रिलीज होगी उसके अगले दिन क्या होगा सभी को पता लग जाएगा। अगर एक भी सीन मूवी की छोड़ दीजिए 3 घंटे की, अगर एक भी सीन में कोई भी पाया गया तो उसका अंजाम सड़कों पर देखने को मिलेगा, सड़कों पर। सभी को मैं कह देना चाहता हूं, सभी तैयार हो जाइए। और अगली योजना कैसी होगी मैं सभी को बताऊंगा अपने फेसबुक लाइव के जरिए, कहां कहां से कैसे कैसे किसके माध्यम से ज्ञापन देना है। अभी दादा के आवास पर हूं मैं, दादा से मेरी बात चल रही है पूरी, इनसे लेने के बाद, जानकारी लेने के बाद ज्ञापन दिए जाएंगे। और ज्ञापन तो केवल एकमात्र उसके लिए देंगे कि हमारा ये सुझाव है, इस तरीके से मत कीजिए। अगर फिर भी
फिर भी चाहे कोई मंत्री हो या चाहे कोई भी हो, अगर इनको प्रोटेक्शन देने का काम किया या हमारे इतिहास के छेड़छाड़ करने का काम किया, तो परिणाम इतने भयंकर होंगे कि इतिहास में वो परिणाम दर्ज किए जाएंगे। चाहे जेल भेज दे, आज ही दादा को भेज दे, हमें भेज दे, पीछे यूथ खड़ा है और ये लड़ाई आप सभी के लिए लड़ी जा रही है। मेरे भाइयों बहनों ध्यान रखिएगा, आपकी आज की इस आवाज को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने का काम कीजिएगा। सभी को मेरी तरफ से, दादा की तरफ से, जय श्री राम, जय भवानी, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंद, जय गौ माता।